नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बक्सर के रघुनाथपुर में हुए रेल हादसे के बाद रेल पटरियों के दुरुस्तीकरण का काम लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। हादसे के बाद डाउनलाइन अभी भी बाधित है, जबकि अप लाइन को ठीक कर लिया गया है। अप लाइन पर ट्रेनों का आना जाना शुरू कर दिया गया है। रेल प्रशासन पटरियों को ठीक करने और डीरेल बोगियों को हटाने का काम लगातार कर रही है। आपको बता दें कि बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी। ट्रेन की 21 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई थी। हादसे में 4 यात्री की दर्दनाक मौत हो गई थी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पुष्पराज। इस ट्रेन हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से जो आला अधिकारी हैं रेलवे के वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और जो पूरा रेस्क्यू है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। अप और डाउन दोनों जो ट्रेन की जो लाइनें हैं उसे दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है। और नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े जो क्रेन हैं वो लगाए गए हैं क्रेन के माध्यम से अप और डाउन ट्रैक को ठीक करने की कवायद शुरू की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जो परिचालन है वो शुरू हो सके। नज़ारा बक्सर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर दानापुर डिवीज़न के जो बड़े आलाधिकारी हैं वो कैंप किए हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी डिवीज़न के भी जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुल मिलाकर के आज घटना के 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक रेलवे ट्रैक पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाई है। जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो ट्रेन हादसा हुआ उसके बाद सारी जो बोगियां हैं वो बोगियां इन रेलवे जो ट्रैक है यहां पड़ी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द दोनों अप और डाउन जो ट्रैक है उसे जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। पुष्पराज, न्यूज 18, रघुनाथपुर, बक्सर।